तो प्रो कबड्डी का डे वन का ऑक्शन हुआ है समाप्त रात के 11:10 के करीब, और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ कौन से प्लेयर बिके हैं आज। तो कुछ अनसोल्ड्स भी हुए हैं जैसे संदीप नरवार और दीपक निवास हुड्डा, थोड़ा शॉकिंग था। और सोल्ड में तो भाई पवन सहरावत ने फिर से अपनी ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, और रेजा साधलू एज अ पटना पायरेट्स फैन काफ़ी ज़्यादा विश करूँगा, बट उनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और 2 साल में जिस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट की अपने आप की, काफ़ी कुछ हुआ यार, काफ़ी करोड़पति बने आज। मज़ा आ गया आज इस ऑक्शन को देखकर। चलो मैं आपका टाइम नहीं लेता हूँ, मैं अब ऑक्शन का स्टार्ट करता हूँ। पवन सहरावत 2.605 CR में तेलुगु टाइटन्स में गए। यार तेलुगु टाइटन्स, इस बार तो आपकी पहली ट्रॉफी आनी चाहिए। फिर मितू 93 लाख में दबंग दिल्ली की तरफ गए हैं। मितू काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं प्रो कबड्डी के लिए, मेरे को तो लग रहा है काफ़ी शानदार भाई है यार। चंद्रन रंजीत CR66 62 लाख में हरियाणा स्टीलर ने लिया है, तो भाई एज अ सपोर्टिंग रेडर काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। विकास कंडोला फिर से बेंगलुरु बुल्स में दिखेंगे, 55.25 लाख में बेंगलुरु बुल्स ने रणधीर सिंह सर ने काफ़ी अच्छा बाई किया इसे। सिद्धार्थ देसाई CR66 के साथ 1 करोड़ रुपये के हरियाणा स्टीलर्स में। ओहो सिद्धार्थ देसाई इस बार मनप्रीत सर के अंदर खेलेंगे। गुमान सिंह फिर से वो अपनी पुरानी टीम यू मुंबा के साथ 85 लाख में उनको खरीदा गया है, VM यूज़ किया गया, और काफ़ी तगड़े प्लेयर हमने देखा है। आशु मलिक की भी दिल्ली वापसी हुई 96.25 लाख में दबंग दिल्ली के सी। और सुनील नरवाल जो पटना पायरेट से खेला करते थे, उनको भी दबंग दिल्ली ने 20 लाख में खरीद लिया है। ओहो काफ़ी तगड़ा ऑप्शन रहा मेरे भाई। फिर विशाल 20 लाख में बेंगलुरु बुल्स ने इन्हें ले लिया है, तो बेंगलुरु बुल्स की भी टीम काफ़ी तगड़ी मुझे दिख रही है। फिर शुभम सिंधे 32.25 लाख फिर से बंगाल वॉरियर्स में चले गए हैं, जो कि मनिंदर सर का भी साथ देंगे। तो महेंद्र सिंह जिनको हम बेंगलुरु बुल्स में देखते थे 40.25 लाख में यू मुंबा ने खरीदा, यू मुंबा की भी डिफेंस काफ़ी मजबूत हो रही है। और गिरीश इरनाक 20 लाख में मुंबा के पास चले गए, जैसा मैंने बताया यू मुंबा की डिफेंस इस बार फिर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नितिन रावल जयपुर काफ़ी मिस करेंगे उनको, बंगाल वॉरियर्स में चले गए 30 लाख में, और जयपुर पिंक पैंथर्स डिफेंडिंग चैंपियन है, मिस तो करेगी उनको यार। मंजीत ये जो इन्होंने अपनी करियर पटना पायरेट्स से शुरुआत की थी, 92 लाख में पटना पायरेट्स ने उनको फिर से खरीद लिया, और काफ़ी सीजन 6 पे थे। और नबी बख्श अपनी अपने अपने साथी के साथ गुजरात चले गए 22 लाख में, ईरानी रेडर। और रेजा साधलो भाई सबसे ज़्यादा सबसे पहले इन्हीं की आई थी, और ये 2.35 CR में गए, मतलब हाईएस्ट ओवरसीज में। फिर विजय मलिक जिन्होंने दबंग दिल्ली को सीजन 8 का फाइनल जिताया था, उनको 85 लाख में यूपी योद्धा ने खरीदा। रोहित गुलिया फिर से अपनी पुरानी टीम यानी सीजन 8 वाली 58.50 लाख गुजरात जाइंट्स ने खरीदा उनको। मनिंदर सर 2.12 CR में, और ये काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, और बंगाल वॉरियर्स ने इन्हें जाने नहीं दिया, VM यूज़ कर लिया। और आखिरी प्लेयर फजल अत्रा चली 1.6 CR गुजरात, यानी गुजरात ने तो अपनी तगड़ी डिफेंस बना ली यार। फिर से नबी बख्श भी रहेंगे, फजल अत्राचली भी रहेंगे, और आपको याद होगा सीजन 5 में भी 2 ईरानी थे गुजरात के पास, और ये जिसमें फजल अत्राचली भी थे, और फजल अत्राचली कप्तान के तौर पे भी दिख रहे हैं। ये काफ़ी तगड़ा ऑप्शन रहा आज का डे 1 का ऑप्शन। कल सुबह 10 बजे ही डे 2 ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा, आप हमारे चैनल साथ ज्वाइन कर लेना, हम सारी अपडेट्स देते हैं पूरे ऑप्शन के लिए। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।